टू दिस चैनल ओके आज हम डिस्कस करले कोन ना लास्ट क्लास से जोडी छाडले कूलम्स लॉ रे मु स्टार्ट करथि जस्ट कितु जेतु टाइम लिमिट रहउची तो बेसी करि पर नथली ठीक अछि आज सेहि दिन स्टार्ट करबा गुड दिन सोई मेंशन कर नथली जे 50 टा इतिहास फिजिक्स रे आवश्यक मध्यम किंतु प्लस 2 भाई एतरा आवश्यक न नोट लेके हम बहुत आवश्यक 1785 मसिया रे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम फ्रेंच फिजिसिस्ट जने डाटा रखता पूरा पॉइंट पढिया हो ना लिनियर पेन रे लिखियो मार्क बोल मिलो ठीक अछि बोला नि कुछ खराब नै सो से ही प्रथमे ये करथि से बेटा कूलम्स लॉ भी कहिछि तो हमें कोन डिस्कस करथिले ना कोन कहिथिले ना जदी तीनटा बॉडी अछंती ओटे ला q1 आ ओटे ला q2 कोन की बॉडी ना पॉइंट चार्ज हेतिबे ताको जे सेंट्रल टू सेंट्रल डिस्टेंस हेतो सपोज आ ताले ताको भीतर से जो फोर्स टा रहला तो डिफिन स्टेटमेंट अनुसार कोन होजी ना ए प्रोपोर्शनल टू q1 q2 रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट एंड f इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक अछि एतिक जे जानिथिले तापर इसमे मैथमेटिकली कोन लिख परथिले ना ए प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर इति हम छोटो जान छे अनुपात समान पत्र पढिछ त माने एई दो हम लिख परबे ना नै ए प्रोपोर्शनलिटी उठे बे एकरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करले हम नै बड़ बड़ लोग करै छी लास्ट क्लास में कहै छी f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर जोटी की ए k टा हम कोन कहले इट इज k टा के जन k लेखन की किछ लोग बीटा मध्ये लेखन जो कहले जहां लिखाय छ किछ असुविधा नै दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट तार वैल्यू मुन केते कहिथली ना के इज इक्वल टू 1/4πε0 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 9×10⁻⁹ एतिकि मु एटा मु कहनथि ए जाय हम डिस्कस करथिली एटा मु कहिथली जे एफ जो एटा कोन कहिथली ना एप्सिलॉन 0 टाला कोन ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी दिस इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और आपको हमें कर देरी बात परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पहले इंग्लिश में लिखने देती के भूले हो तो ध्यान तो बनो अब कौन कोई हुआ अमेडी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया यदि इंग्लिश को पहले भूले हो तो भूले हो मुंह चटक हो सत्ता का तो कोई मुंह इतने गुरुत्व नहीं है तो मैंने गुरुत्व तो बयागर के खेमा करता हूँ कौन कोई हुआ सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आज इटा बढ़िया जिनसे होते एप्सिलॉन 0 कांसेप्ट टा बुझो बड़े एग्जांपल को छी सपोज भाबो तमा घरे जो होली समय रे होली गेलो जे तमा घरे तो मना करसन जीवा पई तमे पूरा घर दोर सब बंद बंद करके अछ हटा कोन आला तमा के केरो कबाड़ बाड़ेला सपोज तमा के संगट हबो तो धरनी मु पळे तम घर रंग खेलिया पे ठीक अछि रंग पुळे नै छी मु रंग रे पूरा आदे के पूरा माकड़ वाला देखाउ छी मु जाई तम घर कबाड़ बाड़ेली भूल भाल रे तम कबाड़ टा खोल देलो अच्छा मोर मोर रखिया को तम अमारी कि तम मना कर तो अच्छा ठीक अछि तम कांड पड़ कबाड़ देकी मु बाड़ी पड़ को पळेबे एति गेला मोर काम तमे देखो एटी गोटे जिंस मु कोन चाहि ना तम घर भीतर पसी की एटा ला तम घर सपोज एटा तम दांड को बाटो एटा तमरा बाड़ी पड़ को बाटो मु एईटू चाहिली ए पटे पसी के एटी बाहर छी ठीक अछि किंतु जेहेतु मु रंग बोली हे के आसी छी ताले मते कोन तमे पूरा सीधा जीवा को दे दो तमे कोन करियो सेठी सर एटी हमर खटटा आछी सर अपन पर साइड के जांदू सर एटी ठाकुर घरटा आछी पुसा छुनुनी एटी के जांदू सर एटा बाथरूमटा आछी के पुरगा सु गोड़ घसियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंदी कोन कोन करी कि मते नहीं तमे छाड़लो कारण मु जे छंडा बळिया पळे कि तम घर दर रंग होई जो बुझि होछ ना नहीं सो एही कांसेप्टटा को रियलाइज करो गोटे मीडियम भितरे जेतो गोटे चार्ज टा एंटर करिवो गोटे मीडियम सपोज अछि से गोटे चार्ज टा एंटर करियो चाहू छी बा त इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांसेप्ट आसी छ अलग कथा जेतो भी एंट्री करियो चाहिबो से मीडियम केते परमिशन दउ छी से परमिशन दउ छी न दउ छी ताको जीबा को दउ छी ताको अटकै दउ छी जहां भी सेई जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम दैट इज योर परमिटिविटी सेट ऑफ रहा ना परमिटिविटी इंपोर्टेंट परमिटिविटी कोन परमिटिविटी ला परमिशन रो आछी परमिशन केते दउ छी तमे जिन तम घरे पत्र मते किमि दिया परमिशन देलो सर ए नि जानु से मि जानु आ जन घर के ही नथि सर सीधा पा किछो सुने नै सो से जो प्रॉपर्टी जहां द्वारा तुम मते परमिट कलो एपुटु से पुडु जे पेंगा तुम मीडियम बा तुम घर थ्रू रे जीवा पई मते जो परमिशन देलो से जो प्रॉपर्टी ता तुमर बा तुम घर रो एटा को जदि रिलेट करबा गोटे मीडियम भितरे मीडियम कोन स्पेस गोटे मीडियम वाटर गोटे मीडियम एयर गोटे मीडियम काठ गोटे मीडियम प्लास्टिक गोटे मीडियम ते मिनी मीडियम्स त
तो जो मीडियम भीतर एंट्री करा को चार्ज ता को सी जो परमिशन सहित एपोटु से पडु ता मीडियम थ्रू रे पैसा को जो परमिशन ता दउची जो प्रॉपर्टी जो को से देई परची सेटा होची तार परमिटिविटी आ यदि फ्री स्पेस बा वैक्यूम रो कहबा दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी सेटा होची एप्सिलॉन 0 यदि एनी मीडियम रो परमिटिविटी सेटा होची कोन कोनसी गोटे परमिटिविटी सेटा ला एप्सिलॉन इस इज एप्सिलॉन फ्री स्पेस पाई बोली पर वैक्यूम पाई बोली एप्सिलॉन तोर गोटे 0 लागिसि सो एटा सिंपलीफाई करछि एटा वैक्यूम रो एप्सिलॉन 0 टा बुझेला अच्छा एबे को एतिक भल से बुझिलो एई देखो किछ छ सुबे में एई देखो केरो यूनिट कोन हो कहलो केरो यूनिट कोन 9 * 10 * 9 सब ले साइड तार यूनिट कोन हो एड बाहर करी को वीडियो पॉज कर बाहर कर वीडियो पॉज कर संग से बाहर कर कोन हो यूनिट देखो के रहले ए को रखी हम कोन हो ना एपर साइड कोन हो ए ए ए एक्सप्रेशन देखो ए एक्सप्रेशन देखो यदि मु के रो यूनिट बाहर कर चाहि कोन करबी ना एफ एपुट गाइस होय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 * q2 q2 अच्छा q1 q2 रो यूनिट एसआई रे कोन ना कूलम सो कूलम * कूलम कूलम स्क्वायर रहला ए तळटा सो दिस इज योर कूलम स्क्वायर ए पर कोन न्यूटन आर रे कोन मीटर तामे एरिया कोन हे जीवो न्यूटन * मीटर स्क्वायर तामे देखो के रो यूनिट कोन हला न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर बुझियाल ना ए एक्सप्रेशन रो ए एक्सप्रेशन बोला हम के रो मते यूनिट बाहर कर छी एफ ने की आर स्क्वायर टाइप कर ली एफ * आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 q2 कर देली q1 * एफ आर स्क्वायर रे कोन हो ना न्यूटन * मीटर स्क्वायर हे गेला कूलम * कूलम चार्ज q1 q2 दीटा चार्ज रे कोन हो दी जना करे से कोन कूलम ना सो कूलम * कूलम कूलम स्क्वायर सो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर बुझेला बोल से नेक्स्ट क्लास रो मते कहिबो एप्सिलॉन 0 रो यूनिट कोन हो वैल्यू तो मैं कह दे वैल्यू सुनो एप्सिलॉन 0 वैल्यू होची 8.85 * 10 टू द पावर -12 दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किंतु यूनिट कोन हो सेटा मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो मु तुमको के रे यूनिट कहली केमि बात के देखैली मते नेक्स्ट क्लास में देखैबो एप्सिलॉन 0 रो यूनिट कोन ओके एक्सप्रेशन आमी देखिले सेतर आमी डिफाइन करबा 1 कूलम पर लिखि देजी कि डिफाइन के करे देखो कोन कर लेमे डिफाइन 1 कूलम सो हमे एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन कोन पाइले ना एफ इज इक्वल टू के q1 q2 बाय आर स्क्वायर ठीक अछि से पछला 1 कूलम कोन आ के रो वैल्यू असाइनमेंट पर कोन पाइले ना 9 * 10 टू द पावर 9 जदी से कोन कहै छी ना जे इटा होछि सेति के अमाउंट ऑफ चार्ज ठीक है चार्ज जो ऑप्शन दी इलोड चार्ज होछि इटा अमाउंट ऑफ चार्ज होछि अगर तो डिस्टेंस हम वैक्यूम रे वैक्यूम रे हम के रख दे छी अगर तो डिस्टेंस होछि केते ना 1 मीटर ठीक अछि 1 मीटर जदी पके लीगल इटा कोन हबो q1 q2 को छाड़ दो जदी q1 q2 ता बटे से थान 1 रो स्क्वायर हले 1 हबो फोर्स केता हबो देखलो फोर्स केता हबो व्हाट इज द फोर्स फोर्स इज इक्वल टू कोन कोछि 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन हबर अछि सो 9 * 10 टू द पावर 9 हले कोन हबो ना q1 q2 रो प्रोडक्टटा 1 होतो सेटा होछि कोन ना 1 कूलम हे दिले एटा एक एटा एक लेस ना एटा एक हबो सो देन फोर्स केता हबो एति के हबो सो जेते बेले दीटा चार्ज बॉडी वैक्यूम रे 1 मीटर डिस्टेंस रे थिबे आ तांको भीतर फोर्स होतबो 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन सेते बेले जाय कि से दीटा बॉडी रो चार्ज थिबो केते ना 1 कूलम तमे से कहिरो जे से जो बॉडीटा अछि तार चार्ज होछि केते ना 1 कूलम ठीक अछि अच्छा कूलम से केतना इंपोर्टेंट पॉइंट होछि सुनो कोन कोन फर्स्ट कोन होछि आपु रु कहि छी जे कूलम कूलमियन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स बोल कहली सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स मन रखो दिस इज इंपोर्टेंट आ गोटे जिनस कोन ना दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तुम आगु कोन जानि छो कंजर्वेटिव फोर्स कोन जानि छो ना ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को मन पको फर्स्ट बट ग्रेविटेशन को मन पकेबो पूरा तुमको लागियो जेंती खाली तारो इलेक्ट्रिकल एनालॉग एटा एटा इज एक्चुअली सेका न्यूटनस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो एटा हजु कोन इलेक्ट्रिकल एनालॉग कुडा नाइ कूलम्स लॉ टा कूलम्स लॉ कारण देखो ना सेठी आ कोन लिखिले न्यूटन्स फोर्स रे
ना f इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर एडी खाली जी जगह कौन अच्छी ना के अच्छी से मास भितर कथबार्ता होते कौन चार्ज भितर कथ क्यू वन क्यू टू जो आर को सही अच्छी बुझे ना नहीं तापरे आ गोटे जिनसा कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स मन अच्छे ना मन ना कंजर्वेटिव फोर्स हूँ से ही फोर्स जहाद्वारा जदि कम है से कमटा केवल क्या क्या डिपेंड कर इनिशियल आ फाइनाल पॉइंट पर डिपेंड कर को पाथ फॉलो करछी ता ऊपर डिपेंड करबो नाही जदी मने पडुनी भलसे मते कमेंट रे लिखि जणबो मु नेक्स्ट क्लास रे कंजर्वेटिव फोर्स को भलसे बुझी बुझेला सेंट्रल फोर्स कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स एटा कंजर्वेटिव फोर्स मध्ये एटा आगोडे पॉइंट कहली एटा कहतेलो जे इलेक्ट्रिकल एनालॉग न्यूटनस लॉ हला माने न्यूटनस लॉ आगोडे जिंस देखो सब इंटरेस्टिंग न्यूटनस थर्ड लॉ मते नि मानिबो केमिति मानिबो ना एई जो फोर्स आसुची एई जो फोर्स ता एफ आसुची आपनि जे खाली q1 q2 पर पकेबो सेमिति नाही q1 खाली q2 आमे जे कूलम फोर्स वेक्टर फॉर्म देखिया या परे सेतले जानि पइबो खाली q1 q2 पर एफ फोर्स पकेबो नाही एई जो फोर्स ता पकेबो q1 q2 को जति कि फोर्स पकेबो q2 q1 को मध्ये सेति कि इक्वल फोर्स पकेबो सो दिस फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन जोटा के आमे कोन जानि छे न्यूटनस थर्ड लॉ ऑफ मोशन रे कौन कह एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इक्वल रिएक्शन रहबो ये जो फोर्स रे को रिपेल सब दिस क्रॉस चार्ज एटा भी क्रॉस चार्ज ए q1 जति की फोर्स q2 को रिपेल करबो q2 मध्ये सेति की फोर्स q1 को रिपेल करबो बट कंडीशन कोन ना दिटा फोर्स रो डायरेक्शन अपोजिट हेतिबो तो मनरे क्वेश्चन आस्तो सर एठी से ना q1 q2 एको कूलम अछि बोली आपन कह दउछन्ती बट सेमिति नाही q1 q2 q1 सपोज 10 कूलम q2 सपोज 1 कूलम ए कंडीशन रे मध्ये q1 जति की फोर्स q2 को ठेलिबो q2 सेति की फोर्स q1 को ठेलिबो बुझियो जरे नै कथरा q1 q2 को जति की फोर्स ठेलिबो q2 q1 को सेति की फोर्स ठेलिबो आ जदि अट्रैक्शन भी होजबो q1 q2 को जति की जोर अट्रैक्ट करबो q2 q1 को सेति की जोर अट्रैक्ट करबो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आ कोन हेबे जो पॉइंट ना इट इज एप्लीकेबल कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल आउ समस्त में एप्लीकेबल न हो जेमिति न्यूटनस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मध्ये पॉइंट मास में एप्लीकेबल थला बोल से मन तो कहबो आ कोन हे कहबो ना चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट कंडीशन थिबे स्टैटिक चार्ज पे बस स्टेशनरी चार्ज में एटा एप्लीकेबल बुझेला सो दीज आर सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ एबे देखियो हमें कूलम्स लॉ रा वेक्टर फॉर्म हला एबे देखिबा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म माने कोन सही हिसो कहिबी खाली के फोर्स बार करबी ता डायरेक्शन देखेबी बुझौ छी तो केतरा नोटेशन को मार्क कर दी होल से दीटा केस छ यार दीटा केस कर त माने दी प्रकार कंडीशन हे गेलो कूलम्स फोर्स ता दीटा कंडीशन हे गेलो कोन कहियो ना गोटे कंडीशन ना q1 q2 ग्रेटर देन 0 q1 q2 लेस देन 0 एटा केतलो ना जेतलो दीटा को फोर्स दीटा को चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव एटा क्यू कंडीशन हो दीटा का चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव जेथि बा दीटा का चार्ज नेगेटिव नेगेटिव जेथि एदीटा कंडीशन में कोन हो पॉजिटिव को पॉजिटिव बोले पॉजिटिव हो जेटा कि ग्रेटर देन 0 नेगेटिव को नेगेटिव में मल्टीप्लाई बोले पॉजिटिव हो जेटा कि ग्रेटर देन 0 एटा गोटे केस हो एटा को केस हो ना जे गोटे पॉजिटिव हो तो गोटे नेगेटिव ना गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव से देखो दीटा मल्टीप्लाई बोले नेगेटिव हो छि व्हिच इज लेस देन 0 तो दीटा केस रे दी प्रकार डायरेक्शन आसी गयो कारण ए केस रे कोन हो ए केस रे अट्रैक्शन हो बुझियो छि अट्रैक्शन हो एटी कोन हो ना रिपल्शन हो ठीक हो जी सो प्रथमे मु एटा करबी ता पर पूरा आउट जेसे देखो सपोज दीटा चार्ज नै एटा ही हम प्रथम करबा हला रिपल्शन केसटा दीटा चार्ज नै गेली गोटेला q1 आ गोटेला q2 तां मते डिस्टेंस नै गेली r ये ताकु ठेलिबो सेयाकु ठेलिबो सो ये ता गोटे फोर्स पकेबो गोटे ठेला फोर्स इमिजी ये भी ता गोटे ठेला फोर्स पकेबो इमिजी बुझि होची अच्छा कोन फोर्स पकेबो सपोज ए दीटा फोर्स आसे गोटे ला f12 आ गोटे बो f21 नोटेशन रे बोल से कोन f12 कोन ना फोर्स ऑन q1 मन रखो इ आगो जाना लिखा छ एक फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 ठीक अछि f21 कोटा ना फोर्स ऑन आगो जुटा लिखाई छी q2 ड्यू टू q1
ठीक अच्छे। अच्छा पोजिशन वेक्टर कनसेप्ट जानी थो फर्स्ट ईयर पढ़ाई से कौन हम एटू याड गला भेक्टरटा कौन हम डिस्टेन्सटा तो सेम अच्छे खाली भेक्टरटा एटू याड गला गोटे डिस्प्लेसमेंट हम एटू याड गैस आउ गए डिस्प्लेसमेंट हम तो दीटा डिस्प्लेसमेंट कौन हम गोटे गोटे यहाँ हम आर वन टू भेक्टर यहाँ हम कौन आर टू वन भेक्टर बुझे ना एक रु दुई याड की गलत सो आर वन टू भेक्टर दुई रु एक आड़ आसला सो आर टू वन भेक्टर क्लीयर एफ वन टू के हम आम जानते कौन ना के क्यूआन क्यू टू बाई आर स्क्वे सो के रहा मैग्निच्यूड रखी थी भेक्टर मैंने कौन मैग्निच्यूड थी तरह गोटे डिरेक्शन लगे थी के रहा के क्यूआन क्यू टू बाई आर स्क्वे मैग्निच्यूड रही भेक्टर कौन हम देख फोर्स क्या पड़ू एक पकोच किए दुई किमी फोर्स इड़ी सो डिरेक्शन टा कौन ना आर टू वन भलसे देख आर टू वन क्या मैग्निच्यूड विथ डिरेक्शन फोर्स क्या पड़ू भलसे देख एक किए पकोच दुई किमी रिपेल करेक्शन टा कड़ फोर्स आमतीया फोर्स देख ए दुईटा पकेला दुई पकेला एक परे एक तू सड़ जा माने 2 रु 1 फोर्स का याड पड़ला बुझे हो जी सो इडा इडा ला सेम दी एफ 2 1 के तरह हो सेम मैग्नीट्यूड दीटा को समान रहबो कोई जी के q1 q2 बाई r स्क्वायर डायरेक्शन कोन हो फोर्स का हावर पड़ू जी दुई ऊपर पड़ो किए पकेब एक किमी तू जहाँ से ठेलब सो आर वन टू एक रु दुई आड़ की सो आर वन टू क्या बुझेगा ये दीटा स्टेप भलसे बुझ या पर स्टेप कौन ही पड़ो आम जो मोडिफाई कर पेट्रोल पंप होगा जत्रा कले कर देख किमी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वे आर टू वन क्या लिख पारि आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वन वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कारण यूनिट वेक्टर माने कौन ए क्या अवस्था कौन ए क्या माने कौन ना ए वेक्टर बाय ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो जानि छ वेक्टर पढाइ दियो एदि लिखि सेम ए स्टेप रे कौन लिख पारि एफ टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर रो मॉड इंटरेस्टिंग इज कोन ना देखो r12 वेक्टर और r21 वेक्टर दिखाय रो मैग्नीट्यूड समान अरे ए23 जहां ए23 सेया खाली डायरेक्शन टा उल्टा सो आज वी नो r12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r r पके दो बेटी एठी भी r पके दो r स्क्वायर इनटू r कोन हिजो r क्यू हिजो so this will be something like this k q1 q2 by r q r21 vector eta sendi kon hobo na f21 is equal to k q1 q2 by r q r12 vector so this is all about the coulomb's law in vector form dekho e dikha ka force dekho magnitude saman khali direction ekor sabo newton's third law manle na नेक्स्ट क्लास को मते एटा तो माने करथिबो एटा कोन कोली रिपल्शन केस एटा करैली नेक्स्ट क्लास को मते अट्रैक्शन केस रे कोन हिची मते सेटा करिक देखैबो कमेंट रे करथिबो तुम तो निजे करियो जति न हेथिबो कमेंट रे दया कर लिखियो मु नेक्स्ट क्लास रे सेटा करिबी बुझेला थैंक यू।